यहाँ इसके साथ? मैं तुम्हारे लिए वहाँ से जल्दी निकल कर आ गया और तुम? यश, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। सानवी हमारे बीच में पैक्ट हुआ था, नो लाइज। टेक्निकली आई डिड लाई, मैंने बस बताया नहीं तुम्हें। हमारे बीच में टेक्निकल कब से आने लगा? बट मैंने पैक्ट नहीं तोड़ा। Shut up, सानवी, दिस इज नॉट यू टॉकिंग, दिस इज हिम टॉकिंग। इसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया। और तुम स्क्वॉश चैंपियन, मॉम डैड के फेवरेट, सबके दुलारे। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, एक, और वो भी तुमसे डाइजेस्ट नहीं हुई। यश, स्टे काम, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जो मेरे और सानवी के बीच में है, दैट्स डिफरेंट। यू स्टिल गॉट हर? आई डोंट केयर, मैं उसे किसी भी चीज में शेयर नहीं करूंगा। और तुम ना उससे दूर ही रहो भाई। क्यों? हाँ, तू भी प्यार करता है क्या उससे? यश प्लीज दरवाजा खोल। यश प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, प्लीज एटलीस्ट लेट मी एक्सप्लेन। प्लीज यश एक बार सुन ले, यश प्लीज प्लीज एक बार दरवाजा खोल, यश प्लीज एक बार प्लीज, यश प्लीज एक बार खोल दे। सानवी, मैंने कहा था ये सही नहीं है। तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके आई स्क्रूड अप, आई हैव लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ यू, आई हेट यू। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने आ सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैके, सच्चिया मोहब्बता निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू बेटा, रोटी थोड़ी जली हुई है। क्या हुआ? जली हुई रोटी देखकर इतनी दुखी हो गई? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ये सब उस लड़के की वजह से, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? कल तुमने अपना लैपटॉप तो बंद कर दिया था, लेकिन अपनी और नील की चैट विंडो बंद करना भूल गई थी। देखो बेटे, अच्छे सभी लोग होते हैं, सिर्फ वक्त खराब होता है। अभी तुम तीनों का वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, तो जो कुछ करना सोच समझ कर करना। अब मैं क्या करूं पापा? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा मत कर देना कि उन दोनों भाइयों में और लड़ाई हो। ओके?
बेटा दर्द की वजह से भूख नहीं लग रही है क्या? डैड दर्द नहीं है, छोटी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जिस वक्त गया था उस वक्त तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये अब अचानक कैसे? यश ने मारा। क्या तूने अपने भाई को मारा? लेकिन क्यों? आपके वजह से, और आपके वजह से, वो बाकी सारे स्कूल टीचर्स, उन फ्रेंड्स की वजह से, उन सब की वजह से जिसे यश को यूज़लेस फील करवाया, उसे नील से कंपेयर करके स्मॉल फील करवाया। आंटी आपको ये पता है मुझे मैंगोस पसंद है और नील को पोहा। आपको ये पता है यश को क्या पसंद है? इसने कभी कुछ बताया ही नहीं। That's यश, वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। सिंस वो कुछ बोलता नहीं है, उससे कोई पूछता ही नहीं है। अंकल आप हमेशा उसे डांटते हैं कि उसे बोर्ड्स में मार्क्स कम क्यों आए। कभी आपने उससे पूछा है कि उसको बास्केटबॉल में कितना इंटरेस्ट है? नील को तो स्क्वाश में प्रोफेशनल कोचिंग, पर यश को बास्केटबॉल में कोचिंग क्यों नहीं अंकल? और नील, तुम्हें उससे डिफरेंसेस बाजू में रख के तुम्हें उससे दिल से बात करना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग में कितने सिमिलैरिटीज हैं। और यश, यू डोंट हेट नील, यू जस्ट हेट पीपल कंपेयरिंग यू टू हिम। और नील तो बस तुम्हारे लिए एक इजी आउटलेट है। और एक लास्ट बात, नील चाहे कंपटीशन में तुझसे कितना ही आगे क्यों ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप तू विनर है और हमेशा रहेगा। I'm done. सानवी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। You know I love you. और हाँ, मैं jealous था because I love her. But as a best friend, romance तुम दोनों रखो यार। और वैसे भी वो मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है, वरना इसे छोड़ के नहीं आती। वो मुझे चाके भी हर्ट नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए तुझे भी हर्ट क्यों ना करना पड़े। That's not fair. I love him too. Of course. तभी तो यू केम बैक। अच्छा, नाउ टेल हिम दैट यू लव मी मोर। नो आई वोंट। हाँ मुझे पता है मैं इतने जल्दी नहीं डिसाइड कर सकती हु डू आई लव मोर, पर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, और तू मेरा पहला प्यार। एक्चुअली तुम दोनों को मुझे खुश रखना पड़ेगा। यू नो वॉट, जब हम ओल्ड हो जाएंगे और तुम्हारे दो दांतों में से सीटियां बचने लगेंगी और बाल भी झड़ने लगेंगे, तब शायद डिसाइड कर पाऊंगी कि किससे ज्यादा प्यार करती हो। अरे अरे, मुझे खुश करो। Your time starts now. फिर बाद में मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी।